हे भगवान, तेरा शुक्र है। कहा मैं लड़कियों को सैया बनने की सोच रहा था, ये तो मुझे भैया बना देती। बच गया आज तो। फूलों का तारों का सबका कहना है। यार मैम ने बोला है कल सारी लड़कियों को राखी लेके आनी, और मैं तो राखी लेके आऊंगी और सारे लड़कों को बांधूंगी, और तुम सब भी राखियां लेके आना, सबको बांधेंगे हम। भाई एक बात बताओ, सब लड़कियां हमें राखी बांध देंगी तो हम गर्लफ्रेंड किसको बनाएंगे? मैं भी ना क्लास के सभी बॉयज को राखी बांध दूंगी और उनसे इतने पैसे तो ले लूंगी कि अपने लिए गाड़ी खरीद सकूं। वैसे भी मेरे घर वाले शायद ही मुझे गाड़ी देंगे दहेज में, तो मैं अपनी गाड़ी अपने साथ ले जाऊंगी। और सिमरन तो मेरी क्रश है यार, मैं उससे राखी कैसे बंधवा सकता हूँ? और यार पता है, मैं भी ना एक आईफोन खरीद लूंगी। मेरे घर वालों ने तो मेरे को नोकिया 1100 दिया हुआ है। अरे उसमें तो मैं अपने बॉयफ्रेंड से ना वीडियो कॉल पे भी बात नहीं कर पाती। भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम लोग, मेरी बुआ का लड़का तीसरी में है, इतना सा उस तक की सेटिंग है यार, मेरी नहीं है यार, मुझे सिंगल नहीं मरना। भाई तुम लोग टेंशन मत लो, तुम्हारे भाई के पास है ना एक सॉलिड आइडिया है, इधर आओ। वाह ये दिया ना तूने आइडिया, चल चलते आप चलो। द नेक्स्ट डे। प्रिया सुषमा मेरी राखी देखो कैसी लगी, पूरी 2 रुपए की है। यार तू सच में पागल है, मैं वो राखी लेके आई हूँ जो 1 रुपए की 4 आती है। और मैं भी तो 1 रुपए की 4 वाली राखियां लेके आई हूँ। यार एक बात बता, हमने पैसे लुटाने थोड़ी है, हमने लड़कों से पैसे लूटने हैं। चलो कोई बात नहीं, अब की बार ये राखियां ले ली, अगली बार 1 की 4 राखियां आती है वो ले लूंगी। अगली बार तो अटन्ने के जो 16 आते हैं ना वो बांधेंगे हम। क्लास में तो कोई बच्चा ही नहीं दिख रहा। बच्चे छोड़ लड़के कहाँ हैं? यार वो सारे कहीं बंक पे तो नहीं है? ओह मेरा आईफोन, मेरी गाड़ी और मेरे पैसे। बेबी मैंने तुम्हें बहुत ही ज्यादा मिस कर रही हूँ। यार मिस तो मैं भी बहुत कर रहा हूँ, लेकिन क्या ही कर सकते हैं। सब छोड़ो, अच्छा ये बताओ तुम्हारे घर पे कौन कौन है अभी? घर पे मम्मी तो मामा के राखी बांधने गई हुई है, पापा उनके साथ गए, और बहन वो तो अपने कमरे में सो रही है। तो ठीक है डन, मैं तुम्हें देखने आ रही हूँ। अरे पागल हो, मरवाओगी मुझे? बताया ना बहन घर पे ही है। अरे कुछ मांगने के बहाने से आऊंगी ना, तुम्हारी बहन को घंटा शक नहीं होगा। तुम दरवाजा खोलो, मैं गेट के बाहर ही खड़ी हूँ। अरे तुम्हें मैंने मना किया था ना नहीं आना। अंजलि तुम? अंदर आओ यार। गाइस चिल करो यार, जो बात तुम मुझसे छुपा रहे हो मुझे तो ऑलरेडी पता है। आपको पता है? हाँ तुम्हें क्या लगा मैं कोई बाबा आदम के जमाने की बहन हूँ, मॉडर्न बहन हूँ। तुम दोनों एक मिनट रुको, मेरे पास ना तुम दोनों के लिए बहुत अच्छा सरप्राइज है, मैं अभी आई। हाँ यार तुम तो बोल रहे थे तुम्हारी बहन बहुत स्ट्रिक्ट है, ये तो कितनी कूल है। यार मुझे भी लगा ये गुस्सा करेगी, मम्मी पापा को सब बता देगी, ये तो ऑलरेडी खुश है। अपना हाथ दिखाओ। क्यों दी? ए दिखाओ ना बेटा, मन में लड्डू फूटा? मुझे इस रिश्ते से ना कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेटा मन में दूसरा लड्डू फूटा? ये लो राखी। राखी? हाँ तुम मुझे इसीलिए तो नहीं बता रहे थे ना, कहीं तुम्हारी एक और बहन बन जाए और मेरे को प्रॉब्लम हो। मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है यार, ये लो बांधो राखी। अरे हाथ आगे करो, अरे हाथ आगे, हाथ आगे करो यार, ये लो बांधो। अरे बांधो ना। अरे कोई बात नहीं बांधो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बांधो बांधो बांधो, अच्छे से टाइट से बांधना, अगले साल तक खुले ना, अगले साल फिर नई राखी बांधेंगे ठीक है? नो 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 नो। कितने अच्छे लग रहे हैं दोनों भाई बहन। चल भाई मेरा गिफ्ट निकाल दे। गिफ्ट? कैसा गिफ्ट? यार तूने बोला था इस बार राखी पे ना मेरे को बहुत अच्छा गिफ्ट देगा। राखी पे गिफ्ट भी देना होता है? ओ कुत्ते।
अरे रो क्यों रही है तू, एक मिनट रुक, मैं एक घंटे में आया। एक मिनट रुक, एक घंटे में आया। चलो मेरा राखी गिफ्ट निकालो अब। बहन तुझे तो पता ही, मैंने पिछले 4 साल से तुझे कोई गिफ्ट नहीं दिया, अब कहाँ से दूंगा मैं। अब मेरा गिफ्ट निकालो जल्दी। अरे बहन मैं गिफ्ट कहाँ से दूंगा, मेरे को तो पॉकेट मनी नहीं मिलती घर से। भाई अब तुम तो मेरा राखी गिफ्ट दे दो। बहन मेरी शकल देख, देख ली, तेरे को लगता है मैं गिफ्ट दूंगा? कितने गंदे भाई हो तुम सब। पिछले 4 सालों से तुम लोगों को भी राखी बांध रहे हो, लेकिन ऐसे नहीं कि अपनी बहन के लिए एक गिफ्ट ले चले। आईफोन चाहिए था मेरे को, आज के बाद कभी राखी नहीं बांधूंगी। अच्छा रुक, क्या है? कुछ नहीं। अच्छा सुन तो। अब क्या है? कुछ नहीं। अरे बहन सुन तो। अब तो बिल्कुल पीछे मुड़ के नहीं देखूंगी। तेरे को यही वाला आईफोन चाहिए था ना? अरे तुम सच में आईफोन लेके आए हो? ओह थैंक यू। मैकबुक। हैप्पी रक्षाबंधन। देख तो लो है या नहीं है, कभी खाली डिब्बा दे दिया हो। नहीं भारी तो लग रहा है। थैंक यू गाइस। हैप्पी रक्षाबंधन। हैप्पी रक्षाबंधन। हैप्पी रक्षाबंधन। अब 10 साल तक कोई गिफ्ट नहीं मांगियो। अरे तुम लोगों ने इतना अच्छा गिफ्ट दिया, मैं तो हर साल ऐसा अच्छा अच्छा गिफ्ट मांगूंगी। अब नहीं मिलेगा। भाई बहन का रिश्ता खास होता है, यह खून के रिश्तों का नहीं बल्कि प्रेम का मोहताज होता है। मैडम एक मिनट सुनो तो। अरे सुनिए तो मैडम। मैडम 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 तुम तो लो। मैडम सुनो ना मैडम। मैडम हेलो भाई, भाई मेरे को ना कुछ लड़के छेड़ रहे, तू जल्दी आ जाओ ठीक है? अरे मैडम सुन तो लो। हाँ बहन अब बता कौन छेड़ रहा है। तुम्हें शर्म नहीं आ रही मेरी बहन को छेड़ते हुए? तुम्हारे घर पे बहन नहीं है क्या? अरे नहीं है ना भाई, तभी तो उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब ये कि हमारी कोई बहन नहीं है, और हर रक्षाबंधन पर सब भाइयों की कलाइयों पर राखी बनती है और हमारी कलाई सूनी रह जाती है। और इसीलिए भाई मुझे लगता है इस साल भी हमारी कलाई सूनी रह जाएगी। भाई तू टेंशन मत ले, इस रक्षाबंधन पे हमारी कोई ना कोई बहन बन जाएगी। भाई लड़की। मैडम। भैया आप टेंशन मत लो, आज से मैं आपकी बहन और मैं आपको हर रक्षाबंधन पे राखी जरूर बांधूंगी। तो बहन फिर देर क्यों कर रहे हो आप, ये लो। खुशियां तेरी खुशियां दे विच खिलती रहे।